माना जाता है कि जो इस भारत की जो महिलाएं हैं, जो ये हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, वो करवा चौथ पे बरती रह के अपने हस्बैंड की, अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करते हैं और वो लंबी आयु होती है उनकी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप हिंदुस्तान आपने भी वर्ड जो यूज किया, ये हिंदुस्तान है ही नहीं, नहीं क्योंकि यहाँ पर ओनली हिंदू नहीं रहते, यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अन्य जातियां भी रहती हैं, तो ये एक धर्म का घर देश नहीं है, ये भारत है, ओनली भारत, जिसमें सभी अन्य जातियां भी रहती हैं और अन्य धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो ये आपकी, पहले तो मैंने ये आपकी जो हिंदुस्तान वाली थी, ये दुविधा आपकी दूर कर दी मैंने। अच्छा। आगे से आप कभी भी हिंदुस्तान इसको वर्ड को यूज नहीं करेंगे। क्या आपके इसके प्रमाण है कि आप ये मतलब भारत है और बिल्कुल संविधान में, बिल्कुल संविधान में भारत लिखा हुआ, हिंदुस्तान शब्द का कहीं है ही नहीं नाम भी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपसे ये हिंदुस्तान की बात करे तो उसको संविधान आप दे सकते हैं कि ये लीजिए पढ़िए और इसमें जरा दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बोला है कि जो ये इसके अंदर जो आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान नहीं है भारत के अंदर, भारत देश के अंदर जो महिला है करवा चौथ का व्रत रखती है उनसे उनके हस्बैंड की आयु बड़ी होती है, वो होती है कि जो करवा चौथ का जो व्रत रखती है, जो भारत में जो महिलाएं रहती हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनको वो पढ़ लिख कर भी शायद वो समझ नहीं पा रही हैं कि वो विदेश में जो महिलाएं हैं वो चांद पे जाने की बात करती हैं और वो चांद हमारी जो है कि भारत की जो महिलाएं चांद को छन्नी में देखना बंद नहीं कर रही हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने महापुरुषों को पढ़ चुकी हैं, बुद्धम के मार्ग पर चल चुकी हैं, वो जान चुकी हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, अगर होता तो कोई महिला भारत की विधवा होती ही नहीं। क्योंकि मानना है कि करवा चौथ वगैरह भर्ती रखने से बिल्कुल हाँ। करवा चौथ का व्रत रखने से कभी लंबी उम्र नहीं होती, कभी भी नहीं होती, क्योंकि अगर होती तो कोई औरत यहाँ की भारत की विधवा होती ही नहीं। मतलब अगर सरस्वती का नाम लें तो ये कॉलेज नहीं होते, विद्यालय नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको कहा था सावित्रीबाई फुले जी ने प्रमाण है उनके, पढ़ाने का प्रमाण है उनके, स्कूल खुलवाने के प्रमाण है इनके, लेकिन सरस्वती जी का कहाँ प्रमाण है, ना उनका जन्म का कोई प्रमाण है, ना उनका कोई स्कूल बनाया हुआ है। तो ये जो है एक सोची समझी साजिश है, जो एक मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर दी है। आपको आजकल ये जो एलोपैथी दवाई के लिए भी मना कर रहे हैं लोग कि आप गऊ का मूत्र पी हैं, गऊ के गोबर से कैंसर ठीक कर रहे हैं, तो आपके क्या मानना है? तो फिर ये हॉस्पिटल वगैरह ये डॉक्टर जो हैं इनको घर बैठा देना चाहिए, ये क्यों हॉस्पिटल खुले हुए हैं, फिर तो गौमूत्र ही घर घर गाय बांध लेनी चाहिए। और गाय लोग बांध रहे हैं, और मैंने तो देखा है कि अगर इतनी ही वो लाभदायक है उनका गोबर, उनका मूत्र जो है, बीमारियां अगर दूर होती तो बेचारी ये कचरे क्यों खाती घूम रही है, इनको तो सेब संतरे खिलाने चाहिए थे और तागाता जाती उस मूत्र के अंदर। बहुत अच्छी बात कि अभी पूनम अंबेडकर जी ने बताया कि जो बौद्ध धर्म है या जो बुद्ध धर्म है उस पर चलने की प्रेरणा दे रही हैं।